प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप? आज जो हम डेरिवेशन करने जा रहे हैं वो स्पेशल केस में यूज होता है, एंड सेकंड में चली गई दूरी, एक पर्टिकुलर सेकंड में, मतलब 11वें सेकंड में। एक होता है 11 सेकंड में तय की गई दूरी और एक होता है 11वें सेकंड में तय की गई दूरी। दोनों में अंतर है। 11 सेकंड में तय की गई दूरी हम गति की द्वितीय समीकरण लगाएंगे, एस इज इक्वल टू यूटी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। लेकिन यहां पे नहीं, यहां पे एनवे सेकंड में चली गई दूरी के लिए हम सूत्र की स्थापना कर रहे हैं। एक वस्तु जिसका प्रारंभिक वेग यू है, ए त्वरण से चल रही है, ए त्वरण से चल रही है, तो हम जानते हैं वस्तु द्वारा चली गई दूरी क्या होती है, एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। टी इज इक्वल टू एन सेकंड में, एन सेकंड में चली दूरी, तो क्या हो जाएगा, एस एन इज इक्वल टू यू एन प्लस हाफ ए एन माइनस का होल स्क्वायर। टी इज इक्वल टू एन माइनस वन सेकेंड में चली दूरी, एस एन माइनस वन यू एन माइनस वन प्लस हाफ ए, सॉरी एन स्क्वायर है, मैंने पहले ही लिख दिया, नहीं एन माइनस वन का स्क्वायर। तो ऐसे खोल लेंगे, यू एन माइनस यू प्लस हाफ ए एन स्क्वायर प्लस वन माइनस टू एन। तो खुल के क्या हो जाएगा, यू एन माइनस यू प्लस हाफ ए एन स्क्वायर प्लस ए बाई टू माइनस ए एन, टू ए एन अपॉन टू। ठीक, तो ये बचा क्या है, यू एन माइनस यू प्लस हाफ ए एन स्क्वायर प्लस ए बाई टू माइनस ए एन। ये टी इज इक्वल टू एन सेकेंड में चली गई दूरी है, समीकरण एक ये थी, ये समीकरण दो और ये समीकरण तीन। ये टी इज इक्वल टू एन माइनस वन, मतलब ये अगर 10 सेकंड में चली गई है तो 10 माइनस वन मतलब 9 सेकंड में चली गई दूरी। अब पर्टिकुलर एनवे सेकंड में चली गई दूरी, एनवे सेकंड में चली गई दूरी, जैसे हम बात कर रहे थे 10 सेकंड में चली गई दूरी, फिर 10 माइनस एक 9 सेकंड में चली गई दूरी, तो 10वें सेकंड में एक पर्टिकुलर सेकंड में चली गई दूरी, तो ये कितना आ जाएगा, एस एन वे, एस एन माइनस एस एन माइनस वन, यू एन प्लस हाफ एन स्क्वायर माइनस यू एन माइनस यू प्लस हाफ एन स्क्वायर प्लस ए बाई टू माइनस ए एन। तो कितना होगा ये, यू एन प्लस हाफ ए एन स्क्वायर माइनस यू एन प्लस यू माइनस हाफ ए एन स्क्वायर माइनस ए बाई टू प्लस ए एन। तो क्या हुआ, यू एन से यू एन कट गया, हाफ ए एन स्क्वायर से हाफ ए एन स्क्वायर, तो बचा क्या, यू प्लस ए एन माइनस ए बाई टू, यू प्लस ए बाई टू कॉमन ले लिया, दैट इज टू एन माइनस वन एस एन वे। इस तरह हमने एनवे सेकंड में चली गई दूरी के लिए सूत्र की स्थापना कर दी। इस सूत्र को डायरेक्ट यूज करते हैं कि 11वें सेकंड में, 22वें सेकंड में, 25वें सेकंड में, 3वें सेकंड में, 7वें सेकंड में कितनी चली गई दूरी है। बच्चे, आपको मेरी वीडियो अच्छी लग रही है, लाइक जरूर कीजिए, शेयर भी कीजिए अपने साथियों के साथ, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।